और मैंने लैंडोवर इवोक का भी सोचा था, इवोक का एंडेवर ही नहीं थी कंपटीशन में कभी। लूंगा तो 4x4 लूंगा, चाहे वो मेरे काम आए चाहे ना आए। चार बार टेस्ट ड्राइव करी हमने ग्लॉस्टर की, वो चारों बार समझ ही नहीं आई हमें। सुनो इसकी, मैंने 4x4 में लेजेंडर क्यों नहीं ली, ब्लैक मेरा लेने का मन था, पर ब्लैक कलर ने जो फॉर्च्यून वो दबता है, तो वो ऐसे एग्जैक्ट तो फिगर नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ ये है कि एक बलिनो जैसी गाड़ी तो आई जाती है। 70-80 हज़ार किलोमीटर तो यही चल गई है मेरे 2.5 साल में। मुंबई तो घुमा आया गाड़ी, मुंबई से भी इंडिया में, और कश्मीर होया आया, ठीक है, लेह वगैरह सब जगह होया। ये तो कहीं स्टैंड भी नहीं करती उसके आगे, उसमें एडास वेडास सब कितने कुछ तो स्टैंड ही नहीं करती उसके आगे। इस हिसाब से तो साइज कहाँ कंप्यूटर है, आप ये चेक करो, मतलब इंसान बूढ़ा हो जाएगा लेकिन ये गाड़ी बूढ़े होने में नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है ऋषभ। अगर भाई आपने इस गाड़ी के अलावा देख के आपने बता दे कि कौन सी गाड़ी है, तभी मैं आपको मानूंगा आप कार एंथुजियास्ट हो। इतना वेट नहीं करवाता, मैं आपको सीधा गाड़ी ही दिखा देता हूँ, सीधा आपको दिखा देता हूँ। टोयोटा फॉर्चुनर 4x4 वाले वेरियंट है। इस चीज़ की मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, इसमें आपको इतने कम फीचर्स देखने को मिलते तब भी ये ताबड़तोड़ इतनी ज़्यादा बिकती है, मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आती। जैसे इसके सेगमेंट में मैं मानता हूँ इसके कम गाड़ियाँ आती है, गिने चुनी ही आती है अब तो, जैसे एमजी ग्लॉस्टर आती है उसमें आपको इतने फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको उसमें नहीं देखने को मिलते। पहले इसकी फोर्ड एंडेवर आती थी जो इसकी मेन कॉम्पिटिटर थी, तब भी वो इतनी नहीं बिकती थी जितनी ये बिकती है, तब भी उसमें इतने कम फीचर आते थे, तब भी वो इतनी कम बिकती थी। वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो इतनी ज़्यादा बिकती है। जब आप अपना बजट 50 से 60 लाख रुपये लेके चलते हैं तो आप मेनली गाड़ी फॉर्चुनर ग्लॉस्टर इसी टाइप में जाते हैं, बट एक मेनली मान के चलो आपको इसी प्राइस रेंज में BMW टाइप की गाड़ियाँ भी मिल जाती है, जैसे X1 आ जाती है, मर्सिडीज की आ जाती है, 10 लाख रुपये और बढ़ा देते हो तो रेंज रोवर इवोक भी आ जाती है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, लोग इतना कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं फीचर्स के साथ, वो भी इतने कम फीचर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा क्या चीज़ है इसमें जो इतने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं। इतने क्वेश्चंस मन में उठ रहे हैं कि फॉर्च्यूनर से रिलेटेड क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं फीचर से रिलेटेड, ऐसा क्या है। अब मैं सीधे इनके ओनर को ही बुला के पूछ लेता हूँ जितने भी हमारे डाउट्स आ रहे हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ हर्ष भैया को। हेलो, कैसे हो भैया? हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। अभी इसका प्लान बताओ भैया, इसका 4x2 का, आपका फॉर्च्यूनर का कैसे प्लान बनाता है इसका? 4x4 है। 4x4 अच्छा, 4x4 है, ठीक है ठीक है। 4x4 का कैसे प्लान बना था? मतलब इससे पहले स्कॉर्पियो ओन करता था, क्लासिक क्लासिक, ठीक है। हाँ, उससे भी पहले स्कॉर्पियो थी, ठीक है, दोनों बार स्कॉर्पियो थी। तो इस बार कुछ नया लाने का मन था कि भाई को बढ़िया गाड़ी लेंगे। हाँ जी हाँ जी। और मैंने लैंडोवर इवोक का भी सोचा था, इवोक लेके आने वाले थे हम, ठीक है। उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा था, मैं उस टाइम पे 62 लाख के अराउंड थी, ठीक है, 10 लाख का डिस्काउंट दे रहे थे उन पे। ग्रे कलर खड़ा था उस टाइम पे, ग्रे कलर। हाँ, तो उन लोगों ने बोला कि अभी अवेलेबल है ग्रे कलर, हाँ हाँ, और आपको चाहिए तो ग्रे ले जाओ मेरे से। हाँ जी हाँ जी। और ग्रे पे दे रहे थे वो 10 लाख रुपये मुझे डिस्काउंट दे रहे थे, ठीक है। 52 के अराउंड मेरे को पड़ रही थी वो गाड़ी। हाँ जी हाँ जी। और ये पड़ी थी मेरे को 46,50,000 की पड़ी थी। हाँ जी। इतना बड़ा जंप, मतलब स्कॉर्पियो क्लासिक से सीधा इवोक पे जाना, इतना बजट कैसे? बजट यही तो बस फैमिली के साथ ही है, सपोर्ट के साथ ही होता है। हाँ जी हाँ जी। थोड़ा हम भी करते हैं, थोड़ा फैमिली भी करती है, ठीक है। अकेला तो खैर कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ वो तो है। कितना टाइम हो गया अभी इसको लिए हुए? इसको भैया 2.5 साल हो गए लिए। 2.5 साल हो चुके हैं, ठीक है। 4x4 का ही कैसे प्लान बना? 4x2 मेरी एक्चुअली ना स्कॉर्पियो फंस गई थी एक बार। अच्छा। मैं गया था जिम पे, बारिश बहुत हो रही थी, ठीक है, तो उसके पास एक गड्ढा था उसमें फंस गई थी, ठीक है ठीक है। पीछे मैंने 3-4 मतलब लोग खड़े करे। हाँ जी हाँ। उसके बाद वो गाड़ी निकलवाई है मैंने, ठीक है। फिर मैंने तभी सोच लिया, मैं गाड़ी तभी चेंज करने वाला था। हाँ जी हाँ जी। मैं कहा मैं 4x2 ही नहीं लूंगा, 4x2 लूंगा तो 4x4 लूंगा, चाहे वो मेरे काम आए चाहे ना आए। अच्छा, अभी तक यूज करी है 4x4 का भी? बहुत बहुत बार यूज होता है, बहुत बार हो चुका है। इसके सस्पेंशन में बहुत फर्क है, जैसे 4x2 है फॉर्चुनर, हाँ जी, वो नॉर्मल चलती है जैसे गड्ढों वगैरह के लिए सब गाड़ी तो बनी है, और इसका थोड़ा हार्ड सस्पेंशन है क्योंकि ये 4x4 है, ठीक है। और इसमें एक क्वालिटी और है कि इसको 4x4 पे लगा लेते हैं तो इसका सस्पेंशन बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। अच्छा, गड्ढों पे चलाने के लिए, ठीक है ठीक है। इसके साथ साथ आपने मतलब प्री डिसाइडेड था कि आपका फॉर्च्यूनर ही लेना, जैसे आप इवोक नहीं ले रहे थे उस टाइम पे? हाँ नहीं, पहले इवोक का था मेरा, ठीक है। वो कैसे कैंसिल हो गया? वो कैसे कैंसिल हो गया? एक तो लग्जरी सेगमेंट है वो, ठीक है, मेरे को लगा कि लग्जरी सेगमेंट में लेनी चाहिए गाड़ी। हाँ जी हाँ जी। फिर लग्जरी सेगमेंट वो बिल्कुल बेसिक गाड़ी है, बेसिक ना तो उसमें लग्जरी है। हाँ जी हाँ जी। ना उसमें कुछ, उसमें रूफ बली दे रखी है लेकिन वो मून रूफ खुल तो सकती नहीं है, ठीक है। तो बट इसमें भी नहीं आती फिर, इसमें सनरूफ तो इसमें भी नहीं आता, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें ड्राइव क्वालिटी तो है, ड्राइव क्वालिटी मेरे दोस्त के पास वॉल्वो है। हाँ जी। 1 करोड़ की गाड़ी है उसके पास, एस क्लास भी है, ठीक है। उसके पास वॉल्वो S60 भी है, हाँ। मतलब बहुत गाड़ी है उसके पास, और भी लग्जरी कार के ही है, ठीक है। पर उनके कंफर्ट में इसके, उसके पास फॉर्च्यूनर भी ऑन करता है वो। अच्छा, फॉर्च्यूनर। लेकिन वो उसको जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी खुद के पास भी लगती है, हाँ जी, उसको फॉर्च्यूनर ही पसंद आती है, ठीक है। तो लेजेंडर पे जाना नहीं हुआ इसकी? लेजेंडर में अगर मैं 4x4 ना लेके 4x2 लेता लेजेंडर, हाँ जी हाँ जी। और ये दोनों एक प्राइस की पड़ रही थी मेरे को, ठीक है। और
फॉर्च्यूनर का 4x4 लेना होता मेरे को लेजेंडर में, लेजेंडर तो वो पड़ रही थी 52 लाख की, 52 लाख, 5.5 लाख का फर्क आ रहा था 4x4 का, तो मैंने आपको बता दिया किसके लिए। अब सुनो इसकी, मैंने 4x4 में लेजेंडर क्यों नहीं ली। हाँ जी, लेजेंडर इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 5.5-6 लाख रुपए का फर्क होने के बाद भी बस बम्पर चेंज हो गया। हाँ, आना कॉस्मेटिक चेंज ही है बस। हाँ, थोड़े बहुत अंदर भी कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर, बस वीडियो कलर चेंज हो जाना है। मेरे को काली चाहिए थी, पूरा पैटर्न काला है। इसमें JBL के 4 स्पीकर आते हैं, इसमें शायद 11 या 9 स्पीकर आते हैं। हाँ जी, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, लेकिन इसका म्यूजिक सिस्टम भी वही है। हाँ जी, इसमें और इसमें बस कुछ नहीं, बम्पर हो गए चेंज था। ठीक है, व्हील मुझे काले करवाने थे। हाँ जी, वो मैंने जर्मनी पेंट करवाया है। हाँ, ये सबसे बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है अभी तो गाड़ी में। 1.5 साल पहले मैंने इसके व्हील सारे काले कराए हैं। हाँ जी, हाँ जी, और इसके बाद इतना बढ़िया पेंट है, जर्मनी पेंट करवाया था मैंने। ठीक है, अब तक तो उतरा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसके मतलब और क्या क्या चेंजेस करवा दिए गाड़ी में, मतलब थोड़े बहुत? कुछ नहीं, मैंने तो बस बाहर से ही ये जो क्रोम था वो सब हटा दिया था। ठीक है, और आगे सारा ब्लैक करवाया हुआ है, पीछे के क्रोम है, शीशे काले करवाए थे। ब्लैक गाड़ी लेने का मन नहीं करा कि जैसे फॉर्च्यूनर ब्लैक में ज्यादा जस्ती है, ब्लैक बीस्ट लगती ब्लैक है तो। मेरा लेने का मन था, पर ब्लैक कलर ने जो फॉर्च्यूनर वो दबता है। दबता मतलब कि जैसे छोटी लगती है थोड़ी उसमें गाड़ी, छोटी लगती है। बट ये मेजर फैक्टर है, ब्लैक कलर हमेशा दबता है। ठीक है, बट जैसे व्हाइट कलर होता है वो खुल के आता है। ठीक है, ठीक है। और जैसे आपने इसके करवा रखा है ना ब्लैक, ये क्रोम सारा हटवा रखा, तो ब्लैक गाड़ी पे काफी अच्छा लगता। हाँ, अभी हमने ब्लैक फॉर्च्यूनर ली है। ठीक है, उस पर हम सारा कुछ ब्लैक करवा चुके हैं। अच्छा, एक और भी फॉर्च्यूनर है, उसका नंबर लिया है हमने CR 0007 लिया है। अच्छा, 0007। इस गाड़ी का क्या नंबर है, क्योंकि इसकी नंबर प्लेट तो मेरे को दिख रही है। 009 नंबर है, 0009। बस कभी लिखवाया नहीं मैंने 0009। अच्छा, इसकी पानी में चले गई प्लेट। अच्छा, एक बार बारिश इतनी हो रही है ना हमारे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, एक बार मैं ऑडियंस को दिखाई देता हूँ इसका। जैसे आगे तो नंबर प्लेट है नहीं, इसकी पीछे वाली नंबर प्लेट जरूर दिखा देता हूँ मैं इसकी। 2.5 साल से यही नंबर लगा हुआ है, 2.5 साल से यही है। मुंबई तक घूम के आ चुका हूँ मैं। अच्छा, देखो इसी नंबर के साथ HR 51CH9 है। कितने का पड़ाते हैं 0009 ये वाला? अरे मतलब ले लिया ये तो उस टाइम पे, अब फिर भी जब बोल स्टार्ट हुई हुई थी। हाँ जी, उससे कुछ टाइम पहले जब एलिश वगैरह बहुत फेमस हुए थे कि नंबर लिया है, नंबर लिया 0001 लिया उन्होंने, तो उस टाइम पे लिया था मैंने नंबर। कितने का पड़ा फिर भी? मेरे को वो ऐसे एग्जैक्ट तो फिगर नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ ये है कि एक बलिनो जैसी गाड़ी तो आई जाती है। अच्छा, हाँ। जैसे यूट्यूबर्स अपनी कमाई बताने के लिए ऐसी करते हैं ना, हम एक महीने में ये ले सकते हैं। हाँ, आप उसी तरीके से? मैंने तो अभी तक तो पेरेंट्स को नहीं बता रखा। अच्छा, नहीं बताया हुआ? थोड़ा बहुत कम ही बताया जितने उनसे लिए थे। अच्छा, ऊपर के नहीं बताया मैंने उन्हें। तो कितने की पड़ी थी आपको ये फॉर्च्यूनर? पड़ी थी 46,50,000 की। 46 लाख। ठीक है, तो इस प्राइस रेंज में आपको फॉर्च्यूनर पे ही मन था या और ग्लॉस्टर कुछ और भी देखी थी आपने? नहीं यार, मैंने तो बताया तो मैं इवोक लेने वाला था। ठीक है, पर उसमें कुछ मजा नहीं आया क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी कम है, ड्राइव क्वालिटी भी अच्छी है, और फिर गाड़ी का रुतबा। आप जैसे बता रहे थे कि लग्जरी की सबसे बेसिक गाड़ी है, मतलब आप फीचर के हिसाब से कह रहे थे। फीचर भी इतने कोई खास नहीं थे, फिर लग्जरी में कोई लग्जरी भी नहीं। हाँ, बट अब जैसे इसमें इतना है नहीं फीचर, ग्लॉस्टर में काफी फीचर्स आते हैं कि जैसे इसमें मसाजर भी, सीट ब्रेक भी अच्छी नहीं है उसके, उसकी तो बॉर्डर हो गया। हम दूसरी फॉर्च्यूनर लाने से पहले 4 बार टेस्ट ड्राइव करी हमने ग्लॉस्टर की, वो 4 बार समझ ही नहीं आई हमें, समझ ही नहीं आई। मतलब ऐसी क्या कमियां लगी, मतलब इन द सेंस उसमें कमी नहीं, बहुत कमियां थी उसमें। अच्छा, बहुत थी। ऐसा क्या था जो इसमें इतनी पसंद आ गई कि बारी में उठा के लेकर आ गए इसको? ये मेंटेनेंस कम है गाड़ी का, 10 साल तक परेशान नहीं करेगी। हाँ जी, हाँ जी, चलती, ड्रिवन ज्यादा है मेरी गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी, अभी 70-80 हज़ार किलोमीटर तो यही चल गई है मेरे 2.5 साल में। अच्छा, 2.5 साल में 70-80 हज़ार चला दी है? ऐसे कहाँ कहाँ ले गए? मैं मुंबई तो घुमाया गाड़ी, मुंबई से भी इंडिया में, और कश्मीर होया आया। ठीक है, लेह वगैरह सब जगह होया आया। इतनी जगह? हाँ। कहीं पे रुकी या जैसे आप लेह गए? कोई ड्रॉबैक ही नहीं है इसका, कुछ कमियां कुछ भी कमी नहीं। एक पैसे की भी कमी नहीं गाड़ी का। एक्सपीरियंस कैसा रहा इतना लंबे ट्रिप? जो ड्राइव क्वालिटी वो नंबर 1 है, बस उसके ऊपर ही मैं फैन हूँ इसका। ठीक है, जैसे मैंने बताया था मेरे दोस्त पे वॉल्वो वगैरह भी है। हाँ जी, हाँ जी, उसकी भी ड्राइव क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसको खुद पर्सनली यही गाड़ी पसंद है। अच्छा, फॉर्च्यूनर ही। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब जैसे लेह लद्दाख का तो मतलब काफी लंबा ट्रिप पड़ जाता है वहाँ पे? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है। थार ले गए थे, थार खराब हो गई थी हमारी, उल्टा थार 3 बार खराब हुई हमारे थार वहाँ पे। इसको कुछ फर्क नहीं? कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई है। कहीं से कहीं फंसी नहीं? कुछ भी नहीं, फंसने का तो कोई चांस ही नहीं। 4x4 है, हाँ, बट फिर भी 4x4 में दम है एक्चुअल में, दम बिल्कुल। मैं मुंबई लेके गया था गाड़ी को, हमारी किलोमीटर चली थी 5,000 किलोमीटर चल गई थी गाड़ी उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब उससे ज्यादा मुझे लगा कि कंफर्टेबल है गाड़ी ये, यही। हाँ, मतलब कंफर्टेबल, मतलब पता ही नहीं चल रहा। चलाई थी हम यहाँ से, गए थे उज्जैन। हाँ जी, सारे ज्योतिर्लिंग करके मुंबई से फिर अहमदाबाद होके आए थे हम। इतना मतलब काफी रूट अच्छा था। हाँ, ठीक है जैसे सारे ज्योतिर्लिंग करने थे हमें, इसलिए रूट बड़ा हो गया हमारा। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा इसके साथ। हाँ, हम 8 जने गए थे गाड़ी में, पूरी फैमिली में 8। हाँ, 7 से 7। लगेज कहाँ पे रखा फिर इसका सारा?
लगे सारा डिग्गी में आ गया, छोटे वाले डफल वाले बैग थे सबके। ठीक है ठीक है। हाँ वो रख रख के बीच बीच आके वो आ गए सारे। आठ बंदे आ गए और ऐसा तो नहीं लगा दो आगे तीन बीच में, तीन ही पीछे थे। अच्छा। और पीछे भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। जैसे 5-10 किलोमीटर में तो परेशान होते तो मैं बताता नहीं। बहुत बिल्कुल। जैसे इतने बंदे इतना लगेज भी है तो ऐसा नहीं लगता कि अंडर डबल बैग थे इसलिए आराम से अंडर पावर लग रही हो गाड़ी या कुछ पावर। मेरे दोस्त ने भी अपनी वो कराई है, फॉर्चुनर लेजेंडर है उसकी। हाँ जी हाँ जी। उसने ब्लड प्रूफ कराई है अपनी गाड़ी। अच्छा। हाँ तो उसकी उसकी में थोड़ा फील होता है पावर नहीं गई चली गई है। हाँ हाँ। क्योंकि 1200 किलो के अराउंड उसमें ब्लड प्रूफ होने में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर बैठते भी हैं लोग। हाँ जी हाँ जी। तो वो थोड़ी दबती है, दबती हो गया। पर फॉर्चुनर के हिसाब से वो इतनी मतलब खुल के आती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दब गई है गाड़ी। इंजन में पावर ही इतनी है इसके में। तो मुंबई तक आपने ही चलाई थी पूरे रास्ते? हाँ मैं था, मेरा कजन था, हम दोनों ने ड्राइव की। ठीक है ठीक है। जैसे अभी आप इतने सारे पॉजिटिव बता चुके हो इस गाड़ी के बारे में, कुछ तो नेगेटिव होगा इसका, एक आध गिना चुना कुछ तो। अब आप ही बताओ आपको कुछ लग रहा है इसमें नेगेटिव जैसा अभी तक? जैसे मैं लोगों से सुनता हूँ कि फीचर्स कम है वो कम है। फीचर वीचर की बात नहीं है, बात तो ड्राइव की होती है। जिसको गाड़ी से प्यार होता है वो ड्राइव क्वालिटी बता सकता है। जैसे मैं चलाने का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। हाँ वो तो और का दूसरा एक्सपीरियंस। फिर भी एक आध कोई नेगेटिव चलाने में लगा हो कि? अब ऐसे तो इससे ज्यादा फीचर्स तो यार किया सेल्टोस में आते हैं। वो तो है। मेरे कजन ने लिया है, 20 लाख में उसमें BMW से ज्यादा फीचर्स है। बिल्कुल है बिल्कुल है। 21 लाख समथिंग ही बढ़िया उसे। हाँ हाँ। और बहुत फीचर है उसमें, एक आध फीचर नहीं है। बिल्कुल बहुत फीचर है। ये तो कहीं स्टैंड भी नहीं करती उसके आगे। उसमें एडास वेडास सब कितने कुछ है। स्टैंड ही नहीं करती उसके आगे इस हिसाब से तो। हाँ ये तो। पर इसकी जैसे ड्राइव क्वालिटी और तुम्हें पता है जैसे ऐसा नहीं होता भी था इस गाड़ी का रुतवा ही रुतवा तो है। जैसे ऐसा नहीं लगता कि जैसे इसके कॉम्पिटिटर ग्लॉस्टर आ रही है उसमें इतने फीचर आ रहे हैं, साइज वही है। कॉम्पिटिटर है आप ये चेक करो कितनी सेल हो रही है वो। हाँ, कंपटीशन में है ही कहां गाड़ी। बट फिर भी जैसे प्राइस सेम है। एंडेवर ही नहीं थी कॉम्पिटिशन में कभी। एंडीवर जितने कितने फंक्शन थे एंडीवर में, खुद सोचो। बिल्कुल पावर में अच्छी। बिल्कुल उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं बता रहा मैं, अच्छी गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। सनरूफ उसमें पार्क असिस्ट उसमें और तो मतलब उसमें म्यूजिक सिस्टम उसका अच्छा है। एम्बिएंट लाइट तक आती है उस गाड़ी के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कलर चेंज कर लो। बिल्कुल फीचर्स तो थे उसमें। हाँ। बट फिर भी वो इतनी वो नहीं हो पाई। हाँ। कंपनी को जाना पड़ा। सस्पेंशन भी अच्छा, 4x4 भी आती है वो। हाँ ये तो है। ड्रॉबैक कुछ नहीं बता रहा मैं एंडेवर में, लेकिन फिर भी नहीं हुई ना। बिल्कुल ड्राइव की तो बात है, ड्राइव इसकी अच्छी है। बिल्कुल फीचर्स पे थोड़ी मर रही है दुनिया। बिल्कुल। इसके साथ भी कौन कौन सी और गाड़ी ऑन करते हो फॉर्च्यूनर के साथ? डस्टर है हम पे एक। अच्छा डस्टर भी है। हाँ एक ग्रैंड एटन है। ठीक है। एक स्कॉर्पियो थी, अब तो स्कॉर्पियो सेल कर दी। स्कॉर्पियो बेच के तो ये लिया है। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब ग्रैंड एटन न्यूज़ और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अब हम लेंगे या तो स्कॉर्पियो एन देख रहे हैं। स्कॉर्पियो एन। हाँ ठीक है, क्योंकि ज़्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ, और गाड़ी भी ठीक है। हाँ बिल्कुल। या फिर किया सेल्टोस बल्कि भी है काफ़ी। हाँ, मतलब दो गाड़ी लेनी है अभी हमें। ठीक है। स्कॉर्पियो एन देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। एक सेल्टोस देख रहा हूँ मैं, अपने पर्सनल अपने लिए सेल्टोस देख रहा हूँ। सेल्टोस देख रहे हो? हाँ, मून रूफ वाली जो आती है, सनरूफ वाली। ठीक है। नहीं बढ़िया है वो गाड़ी। माइलेज कितनी दे रही है अभी फॉर्चुनर? लोकल में दे देती है 9-9.5 की एवरेज। ठीक है। और रोड पर 10-11 की दे देती है। अच्छा इतनी दे रही है क्योंकि थोड़ी ड्राइव तेरी मेरी फास्ट है, उसी हिसाब से पड़ती है। अगर और थोड़ी स्लो चलाऊंगा तो 12 भी दे देगी। हाँ उतनी तो दे देगी आराम से। और टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? 2.5 साल हो गए इसको गाड़ी को। मैंने बताया तो 5-10 किलोमीटर में सारा एक्सपीरियंस बता दिया। नहीं फिर भी मतलब एक बार बताना चाहो मतलब कैसा रहा था कि अभी तक 2.5 साल का टोटल कभी मेरे कुछ? अब एक बात बताओ, मैंने 70,000 के राउंड चलाई है गाड़ी। हाँ जी हाँ जी। पर अभी तक मेरे को बिल्कुल ऐसा लगती है फ्रेश कार है। हाँ हाँ। क्योंकि 1 लाख किलोमीटर के बाद तो खुलेगी गाड़ी। बिल्कुल। इसका इंजन ही बिल्कुल नया है। बताएगी कि मैं हूँ क्या चीज। हाँ हाँ। अभी तो नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। तो इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा, इसमें मैं थक गया चलाते चलाते। ये नहीं थकी। ये नहीं थकी अभी तक। हाँ। मतलब इंसान बूढ़ा हो जाएगा लेकिन ये गाड़ी बूढ़े होने में नहीं है। हाँ वो तो है भैया, इसकी बात है। जब आपने भी ये फॉर्चुनर लेने जा रहे थे, अगर उस टाइम पे फोर्ड एंडेवर इंडिया में होती तो आप इस पे जाते या एंडेवर पे ही जाते? नहीं उस टाइम पे इस पे ही जाते। इसी पे ही जाते। मतलब उसमें ऐसा क्या मतलब फिर भी पसंद नहीं क्यों? नहीं यार इसका मेंटेनेंस भी देखो, मेंटेनेंस का फैक्टर है। ठीक है मेंटेनेंस। भले ही आप कितने पैसे खर्चो लेकिन उसके बाद अब वो क्या क्या रिस्पॉन्स कार का आ रहा है, क्या मेंटेनेंस है, वो भी बिल्कुल मेजर फैक्टर है। हाँ, घर वाले ने मुझे समझाया था उस हिसाब से मैंने देखा था फिर। हाँ हाँ। तो यही बेस्ट थी और इतना कोई फंक्शन का है नहीं, मेरे को फंक्शन नहीं चाहिए था, सेल्टोस ले लूंगा मैं। अच्छा अगर वो एंडेवर आ भी जाती है तो अभी नई वाली एंडेवर जो आएगी उसमें तो बहुत चेंजेस है। बहुत चेंजेस। हाँ पता चलेगा उसकी ड्राइव करके देखेंगे सब। हाँ, चीज देखेंगे तो फिर मैं ले लूंगा एंडेवर भी, मैं सोचूंगा इसे लेने के। जैसे अभी आप इसके गाड़ी के बारे में मेंटेनेंस कर रहे हो तो इसके सर्विस कॉस्ट स्पेयर पार्ट्स कितना रहा है? स्पेयर पार्ट्स तो इसके बहुत महंगे उस हिसाब से, पर इसका मेंटेनेंस है ना जो। हाँ हाँ। मेरे को 15,000 रुपये की सर्विस हो जाती है। 15 की ही इतनी। हाँ, बड़ी गाड़ी की। हाँ
और जो इसकी बिल्कुल मेजर मतलब बिल्कुल एकदम कम वाले सस्ती वाली सर्विस करवाऊंगा मैं, हाँ जी, तो 7-8 हज़ार रुपए की सर्विस आज की डेट में हो जाती है। बेसिक हाँ, वाली बिल्कुल बेसिक सर्विस है इसकी, ठीक है, 7-8 हज़ार की, ठीक है, हो जाती है इसकी, मतलब यही इसका सबसे बड़ा वो बैक पड़ वो पड़ जाता है, पॉजिटिव पॉइंट पड़ जाता है इस गाड़ी का। 7-8 हज़ार रुपए की सर्विस हो रही है तो इतनी बड़ी गाड़ी रुपए की सर्विस है किसकी, बलिनो की 15 हज़ार सर्विस आज की डेट में, इतनी बड़ी गाड़ी होते भी 8-8 हज़ार आ रहे हैं, बताओ कितनी बड़ी बात है। जैसे भी आपने फॉर्च्यूनर 4x4 ली है तो अभी तक यूज में आया है या आपने स्पेशल ऑफ रोडिंग करी है इसके साथ? हाँ करी है, कैसे खेतों में भी करी है मैंने अपने। अच्छा खेतों में कुदा दी थी, उसमें पूरे में पानी भर रहा था उसके बाद, और यहाँ भी करी है एक बार, टग ऑफ वार भी करा था, और ले में बहुत 4x4 यूज किया हमने, कहीं अटकी नहीं कुछ, कहीं भी नहीं, मतलब कहीं हेल्प की जरूरत नहीं, मट्टी वगैरह में बहुत घुमाई है हमने गाड़ी। अच्छा थार और ये दोनों 4x4 थी, दोनों घुमाई थी हमने वहाँ, कहीं नहीं अटकी, मस्ती करी थी उससे। और टग ऑफ वार का बता रहे थे आप, वो थार के साथ था मेरे कजन एक, उस पर थार है, ठीक है, उसने बोला था कि लाइक करते हैं दोनों, उसको लगा था थार जीत जाएगी, थार जीत, पर एक सेकंड के भी अंदर ले गई थी गाड़ी, ये खींच के ले गई थी, दो थार को तो ले सकती है आराम से। और क्या क्या एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ? बस ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, क्लीन कार है मेरी, देख सकते हो आप। ड्रैग रेस व्रैग रेस कुछ? ड्रैग रेस करी थी हाँ, मर्सिडीज के साथ करी थी, मर्सिडीज के साथ, मर्सिडीज सीएलए के साथ, सीएलए के साथ, मतलब बेसिक कार है वो, लेकिन उसके अंदर पावर बहुत है, ऐसा नहीं कि पावर नहीं है उसके अंदर, पावर परफॉर्मेंस बहुत हाई है उसकी। उसने उसको हरा दिया था? हराया ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमारी दोनों की गाड़ी बहुत स्पीड में थी, ठीक है, हाँ कभी वो आगे कभी मैं आगे, ऐसा। स्टार्टिंग में कौन सी निकली थी? स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी चालाकी कर दी थी उस टाइम पे, स्पोर्ट्स मोड लगा दिया था उसकी, नॉर्मल मोड पे थी। अच्छा उसके बाद हुई नहीं हमारी, मैं निकल गया था आगे उस टाइम पे, ठीक है ठीक है। अब हमने ये भी नहीं देखा कि वो स्पोर्ट्स मोड पे कितना आगे निकलती है, नहीं ऐसा कुछ देखा नहीं था, पर उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा पावर मोड लगा के मैं निकल गया था, मतलब अब इस गाड़ी से नॉर्मल मोड पे थी। अच्छा ठीक है ठीक है, इस गाड़ी से फुल सेटिस्फाई हो आप? फुल फुल, कोई कमी नहीं कुछ नहीं? 5-7 साल तो रखनी है, 5-6 साल रखनी है, ऐसा भी नहीं कि अगर परेशान हो रहा हूँ तो कोई और गाड़ी ले लूंगा, नहीं, नहीं मेरे को मजा नहीं। छोटी गाड़ी में बताया ना, सेल्टोस लेंगे अब, सेल्टोस, बाकी ग्रैंड एटन है हम पे, हाँ मतलब फुल डीजल में, वो भी हाँ डीजल ही गाड़ी प्रेफर करते हैं, हाँ डीजल तो डीजल है बिल्कुल, फुल सेटिस्फाई हो। अब रिकमेंड करना चाहोगे अगर कोई यूजर अपनी गाड़ी देख रहा है इस प्राइस रेंज में कि ग्लॉस्टर ना, इस प्राइस रेंज में कोई गाड़ी है ही नहीं, ग्लॉस्टर आ रही है पहली मेन बात, गाड़ी नहीं है वो। और जैसे अगर इस प्राइस रेंज की बात करें, BMW X1 आ जाती है, उसमें फीचर भी मिल रहे हैं, वो चीज देखी भी नहीं है, BMW का लोगो भी मिल रहा है, वो मेन आ जाता है, नहीं देखी, नहीं मतलब ड्राइव क्वालिटी वगैरह उसकी मैंने चेक नहीं करी है, चेक नहीं करी है, बाकी गाड़ी हाँ अच्छी है, वो भी अच्छी है, पर आपको एक कम मेंटेनेंस में अच्छी गाड़ी चाहिए, ठीक है, जिसके आप आग बंद करके कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आग बंद करके कभी भी कहीं भी जा सकते हो, बिल्कुल वो यही गाड़ी है, बिल्कुल, मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट सी भी पड़ जाती है वो गाड़ी, कॉम्पैक्ट भी पड़ जाती है, फिर इसमें आपकी फुल साइज है, हाँ फुल भी जा सकते हो, आ सकते हो, रुतबा ही मतलब दूर से आते हुए लगती है कि हाँ आ रही है कोई गाड़ी बैंकर सी। और कोई चेंज वेंज नहीं करा, मतलब ओरिजिनल पार्ट डले हुए हैं ना अभी तक? हाँ ओरिजिनल पार्ट है, बम्पर चेंज हुआ था, बम्पर चेंज हुआ था, हाँ, और इसकी जो आगे की जो हेडलाइट है, हाँ जी, उनमें पानी सा आ गया था दोनों में। अच्छा, जैसे वॉश करता था मेरा, हाँ जी हाँ जी, घर पे आता साफ करने वाला, ठीक है, तो ज्यादा वॉश करता था उस टाइम पे, तो पानी के अंदर पता नहीं क्या लाइटों के अंदर आई गया था, कोई डिफेक्ट ही था, ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे फिर कंपनी में गया मैं, हाँ हाँ, मना भी कर रहे थे करने की, ठीक है, उनको ये था कि जो मना कर देंगे तो वो चला जाएगा, हाँ हाँ, मैंने एक दो बार कंप्लेंट कराई, नहीं माना उनने, फिर हम 2-4 साथ थे हम, हाँ हाँ, गए मैंने मैनेजर वगैरह से बात करी, हाँ, तो जब अच्छे से बात हुई हमारी बैठ के तरीके से, तो फिर उन्होंने चेंज करके कर दिए थे, मतलब नखरे करे उन्होंने स्टार्टिंग में, बेसिकली उनका ये था कि कोई चीज बच रही है तो उसे बचा लो, बचा लो, हाँ। और कितने की चेंज हुई फिर ये हेडलैम्प्स? 2 लाख से ऊपर की थी वो, 2 लाख के, हाँ, एक लाइट 1 लाख से ऊपर की है। अच्छा, 1,05,000 समथिंग की होगी। स्पेयर टायर मतलब स्पेयर पार्ट्स इसके काफी महंगे, काफी महंगे फिर तो, बस मेंटेनेंस वैसे पड़ जाती है, इसकी सर्विस कॉस्ट वो कम है, वो चीज ठीक है इसकी। अगर आप, मैंने इसकी 5 साल की वारंटी ले रखी है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 2-3 लाख बिल्कुल चल जाता है, जो है बिल्कुल कोई कमी तो है, एक नंबर है। ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस हर्ष बीए का फॉर्चुनर के साथ, ये था इसके सारे ड्रॉबैक, सारे कुछ इन्होंने बताया। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।